Hello, sir. First of all, I want to thank this universe because it's been some time that I was literally imagining this conversation between you and me, and it is happening. I just can't believe it. So, thank you. And jo point main rakhna chahti hun, I believe that इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज सो स्क्रूड अप कि हम लोग को एक्सप्लोर करने का चांस ही नहीं मिलता है. लाइक हम लोग बुक्स में ही पढ़े रहते हैं. सो इट वीज लाइक ए टाइम वेस्ट हो रहा है. मैं कर क्या रही हूँ वेन आई सॉ योर वीडियोज दैट रेस्टलेसनेस एंड जो करना है अभी करना है टाइप्स. बिकॉज मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या काम करना है वो टू फाइंड आउट दैट थिंग दैट इज मतलब आप कह रहे हो कि क्या करना है तो उसमें yeah. हम आइडियाज में जाकर के थोड़ा सा अटक जाते हैं. एक्सप्लोर नहीं कर पाते हम लोग की एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते आइडियाज को. एक्सप्लोर कैसे करते हैं एज इन लाइक कोई आइडिया आने के लिए आपको एक्सपोजर भी तो जरूरी होता है ना टू थिंक बियॉन्ड. आई अंडरस्टैंड. लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर. बहुत अच्छी बात बोली है अगर इनकी बात अपने ध्यान से समझी है तो. मतलब पॉइंट क्या है कि हमारे माइंड में आता ही नहीं है कि हम क्या करें. कैसे करना तो बात का स्टेप है ना. पहले ये तो आए कि क्या करना है जो मेरी पर्सनालिटी से मैच होता है. अब वो आइडियाज आते कैसे हैं. व्हेन वी गेट एक्सपोज टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन तब आइडियाज आने लग जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये घर में मेरे मैरिज आने वाली है, ये शादी आने वाली है. लड़कियों का तो बहुत होता होगा कि घर में ये आ रही है उसकी पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है 12 साल पहले से कि हाँ ये शादी आएगी उसमें मुझे ये पहनना है. 12 साल ज़्यादा हो गया तो एक साल सही. तो वो आइडियाज कहां से आते हैं कि ऐसा कट होना चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, ये होना. ऑनलाइन हम चेक करते हैं कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, अभी क्या हो रहा है, या वो जो सेलेब्स हैं वो क्या पहन रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. वहां से हमको आइडिया लगता है अच्छा ऐसे कलर्स होने चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए और मेरी पर्सनैलिटी पे ये सूट करेगा, ये होगा. फिर हम कुछ इमेजेस निकालते हैं, वो ले जा करके उसको आप दिखाते हो जहां से भी आप स्टिच करवा रहे हो, जो भी कुछ करवा रहे हो उनको बोलते हो हाँ ऐसा सा कुछ चाहिए, फिर आप पहनते हो. तो अगर ध्यान से समझोगे आइडियाज कैसे आए उसके बारे में जान करके, सर्च करके या उसके बारे में जान करके. जब उस चीज के बारे में आपने जाना तो इसको भी एक वर्ड में क्या कहेंगे, नॉलेज ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन. वहीं से तो दिमाग खुलता है. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. दैट मीन्स कि अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि आपको सुबह से रात तक नॉलेज दी जा रही है कि आप क्या क्या कर सकते हो. दिमाग को बड़ा किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में या छोटा किया जा रहा है. छोटा या बहुत छोटा या उससे भी छोटा. मतलब सोच शुरू होती है नौकरी से, खत्म होती है नौकरी पे. स्कूल में गए इसका मतलब नौकर बनने के लिए जा रहे हो. आपकी लाइफ का एम क्या है, नौकर बनना है जी. ये मैं सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ. हाँ चाहे पैसा ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट लाइफ का एम क्या है, एजुकेशन सिस्टम का एम क्या है, नौकर बनाना. नॉट कि आपका दिमाग खोलना, नॉट कि आपको ऐसा बनाना कि आप नौकरियां जनरेट कर सको, नौकरियां क्रिएट कर सको. ऐसा नहीं है हमारा एजुकेशन सिस्टम. आपको सोचना नहीं सिखाया जा रहा है बल्कि आपकी सोच को छोटा किया जा रहा है. इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मैकेनिकल हो जाओगे. मतलब एक रोबोट के जैसे बन जाओगे. बस जितना अंदर फीडेड है उस हिसाब से एक्ट करो, बस उससे ज्यादा नहीं सोचना है. रोबोट की तरह जिएंगे, रोबोट की तरह मर जाएंगे, खत्म. क्या किया लाइफ में, कुछ भी नहीं किया. ये बुरा तो नहीं लग रहा सुनने में, कड़वा है लेकिन सच. तो अब जब तक कि हमारा माइंड वी आर नॉट एक्सपोज टू सच आइडियाज कि क्या हो सकता है, तब तक दिमाग उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं. करना तो बहुत दूर की बात है. जब आप ये देखोगे कि आपके ही जैसे और लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इस तरह से किया जाता है, ऐसे सोचते हैं, ये होता है वो होता है, तो क्या आपका दिमाग नहीं चलने लग जाएगा उस डायरेक्शन में, अपने आप ही चलने लग जाएगा, आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो. बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है. जैसे मैग्नेट कैसे क्रिएट होती है, किसी को पता है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है. मैग्नेट अगर हमको बनानी है तो क्या होता है, कैसे बनती है. सर एक आयरन रॉड लेके उसको हम इंसुलेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, अल्टरनेटिव करंट में मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो ऐसा क्यों होता है, करंट पास हो रही है तो उस करंट के पास होने से अंदर क्या होता है उसमें. जब करंट पास होती है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं. जो स्कैटर्ड होते हैं वो एक दूसरे को ही काट रहे थे, यही होता है ना. हाँ रेजिस्टेंस इन द सेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे. दो तरह के वो थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अंदर ही. अब वो सारे एटॉमिक पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में मूव करने लग गए. ऐसे ही अगर आपका माइंड ऐसा है जिसमें कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स आ रहे हैं
कभी लगता है करूं, कभी लगता है नहीं करूं, फिर करने का जैसे ही सोचते हो एकदम से उसके नेगेटिव साइड दिखते हैं, वहीं पे रुक जाते हो। तो क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर दोनों थॉट्स आपके काट रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं। एक तरफ से करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन जैसे करने की सोचते हो तो थॉट्स आकर के उसको काट देते हैं, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, समझ लो कटता चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा होगा कि आपके थॉट्स एक डायरेक्शन में चलने लग जाए, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके अंदर जाए, जैसे करंट गया था ना उसके अंदर, आयरन के अंदर, ऐसे ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जाए जो आपके थॉट, जो कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स हैं उसको अलाइन कर दे। वो इंफॉर्मेशन कहां से जानी चाहिए, किसी ऐसे सोर्स से जिसमें खुद में क्लैरिटी है। ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आप रहोगे जो खुद कंफ्यूज है, खुद अल्ट्रा नेगेटिव है, कुछ करने की सोचते तक नहीं, और अगर कोई सोचता है तो उसको नीचे गिराने का उनका काम होता है। ऐसे लोग हैं हमारे आसपास में, नहीं बहुत है जी, भरे पड़े हैं चारों तरफ, कि उनकी सोच से अलग जैसे ही आप कुछ भी सोचोगे, बात भी करोगे तो बौखलाने लग जाएंगे। तो अगर ऐसे लोगों के आप कॉन्टैक्ट में रहोगे तो क्या होगा, तो आप आयरन हो, तो आप मैग्नेट नहीं। अगर वो हमारे साथ ही रह रहे हैं तो हम उनसे दूर कैसे जाएं फिर? बड़ा आसान है, मैं बताता हूँ अभी कैसे होगा ये। हाँ, और हम सबके साथ रह रहे हैं, है ना। हाँ, हर एक के घर में ऐसे कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल में होते हैं, रिलेटिव्स में होते हैं, जिनके साथ आपको रहना ही पड़ेगा। तो अब पहले इसको ध्यान से समझ लेते हैं, प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। प्रॉब्लम हमको पकड़ में आ रही है ना, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक लोहा लोहे के कॉन्टैक्ट में रहे तो कुछ हो सकता है, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर लोहा मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में आए तो क्या होता है, अगर उसको हटा भी लेंगे वहां से तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो उस आयरन में आ जाएगी। ऐसा होता है, नहीं होता है? इसमें टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा, पर धीरे 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 जैसे ही आप ऐसे किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आओगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे चाहो ना चाहो आप भी वैसे नहीं बनते चले जाओगे, धीरे धीरे आप भी ऐसे ही सोचने लग जाओगे। कोई बंदा है उसके दिमाग में बैठा हुआ है, मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, उसके साथ रहोगे तो क्या होगा, सब कुछ मुश्किल लगने लग जाएगा। किसी बंदे के साथ में आप रहोगे, उसके पास में सुबह से रात तक इंडिया में जो भी कुछ हो रहा है उसकी बुराई करने के अलावा और कुछ है ही नहीं, सब बेकार है, सब बेकार है, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, वो भी अपना काम नहीं हो। तो ऐसे बंदों के साथ आप रहोगे तो क्या होगा, ये बोले लोग हमारे साथ ही रह रहे तो फिर तब... मैं आ रहा हूँ उस पे, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, मैं आपका दुख समझ पा रहा हूँ। व्हाट शी सेइंग अगेन एंड अगेन इज कि ऐसे लोग अगर हमारे साथ ही रह रहे हैं तो क्या किया जाए, साथ रहना और दूर रहने का मतलब क्या है, आज की डेट में साथ रहना और दूर रहना मतलब क्या। कोई आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, आप उसके भी साथ रह सकते हो, और कोई आपके पास है आप उससे भी दूर रह सकते हो अगर चाहो तो, बल्कि रह ही रहे हैं। आपके साथ में जो लोग रहते हैं आप उनके ज्यादा पास हो, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो या अपने मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो? आपके मोबाइल में जो भी कुछ है, वो जो भी दिख रहे हैं लोग, वो आपके पास है या आपसे दूर है? पास है या दूर है? फिजिकली दूर है, मेंटली पास है, और जो फिजिकली पास है वो मेंटली दूर है। तो पास और दूर एक्चुअल में क्या है? कुछ भी नहीं, वो सारे बैरियर्स खत्म हो चुके हैं। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास रहना चाहते हो तो आप ऑनलाइन रह सकते हो, नहीं रह सकते? क्या आप मेरे पास हो या नहीं हो? एक्चुअल में हम दूर हैं, फिजिकली हम बहुत दूर हैं, और दूरी रहे तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि आप सब मेरे घर में आकर के बैठ जाओ। हाँ, दूर ही रहना चाहता हूँ फिजिकली हमेशा के लिए आप सब से, ताकि मैं चैन से जी पाऊँ। लेकिन साइकोलॉजिकली क्या हम एक दूसरे से पास हैं या नहीं है? क्या आपकी और मेरी थॉट प्रोसेस धीरे धीरे अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? कितने हैं जिन्होंने मेरी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देखी है, बहुत सारी वीडियोस देखी है? बताना मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है मैग्नेट वाला, जब आपने मेरी वीडियोस देखनी शुरू करी थी आज से एक साल पहले, दो साल पहले, तीन साल पहले, तब आपकी थॉट प्रोसेस एक तरह की थी। आज आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हुई है नहीं हुई है? यस और नो? क्या ऐसा होता है कि मैं कुछ बोल रहा होता हूँ और आपको पहले ही पता लग रहा होता है कि अब ये आने वाला है? इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब जिस तरह से मैं सोच रहा हूं उसी तरह से आप सोच रहे हो, ऐसा हो रहा है? मतलब हमारी थिंकिंग एक दूसरे से मैच हो रही है। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे के पास है, तभी तो हो पा रहा है। दूर होते तो कैसे होता? आ रहा है क्लियर आपको आंसर मिल रहा है? तो पास और दूर इट्स नॉट फिजिकल एनी मोर, वो टाइम गया। वो पहले होता था जब ना टेलीफोन्स थे, खत लिखे जा रहे हैं किसी के पास आने के लिए। अब वो जमाना गया, अब तो पास और दूर कुछ रहा ही नहीं है।
और एक्चुअल में पास और दूर का सारा खेल यहां पर है। तो अगर आप भी अपने आप को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद सच पीपल।